अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आज आपकी और हमारी ये खुशनसीबी है कि फजीलत शेख मौलाना अय्यूब ज़फ़र साहब, जो फजीलत शेख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ कसूरी साहब हफ़िज़हुल्लाह के भांजे भी हैं और दामाद भी हैं, आज वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे सामेईन को कुछ नसीहाना कलिमा इरशाद फरमाने के लिए दिया है वक्त। आपका ताल्लुक तबलीगी जमात के साथ मुंसलिक रहते हुए दावत और तबलीग के पैगाम को आगे पहुँचाना और साथ साथ अपना ज़ाती कारोबार, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे सामेईन के लिए कुछ नसीहाना कलिमा इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सबर। आज जिस माशरे के अंदर मैं और आप शब व रोज़ बसर कर रहे हैं, मैं एक अदना सा तालब इल्म होने की हैसियत से ये समझता हूँ इस माशरे के मेरे ऊपर और बल्कि हर अहले ईमान के ऊपर, अहले तौहीद के ऊपर इस माशरे के बहुत ज़्यादा हकूक हैं। तो चंद एक बातें मैं अपने आप को भी निसाब से पहले नसीहत करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे ज़िंदगी दी है और जो कुरान और हदीस के साथ मुंसलिक रखा है, मेरा हक बनता है कि मैं अपने माशरे के अंदर अपनी सबसे पहले तो मैं अपनी ही इस्लाह करूं। उसके बाद जो हमारे माशरे के लोग हैं, आज हम अपने माशरे को देखते हैं तो हमें बहुत ताज्जुब और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मुख्तलिफ़ रवाज, दुनियादारी, सबसे बड़ा अलमिया मैं ये महसूस करता हूँ कि हर बंदे को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए सिर्फ़ दुनियादारी का लालच तमा, और इसी के अंदर एक तो ये अफसोस की बात है कि इन कामों के अंदर अपने आप को मसरूफ़ करके दीन से दूरी इख्तियार होंगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जो अगियार हैं, यानी जो गैर मुस्लिम हैं, जो उनके रवाज हैं, जो उनके रस्म रवाज, उनको बड़े अहतमाम के साथ मुश्किलात उठा के भी उनको फॉलो कर रहे हैं। अफसोस इस बात के ऊपर है कि हमारे माशरे के अंदर जो नौजवान हैं, बाकी तबके के जो लोग हैं, वो सुन्नत के लिए चाहिए तो ये ना कि बंदा तकलीफ़ उठाए उसके बाद उसका फल हासिल करे। बंदा अपने आप मुश्किलात के अंदर डाल के कोई अल्लाह से अजर ले फिर तो मज़े की बात है, सुकून है, राहत है। और जब हम मुख्तलिफ रवाज, मुख्तलिफ रसूमात के पीछे दौड़ेंगे, एक तो ये है कि इससे हमारी आखिर तबाह हो जाएगी, और उसके बाद हमें यही पैगाम आने वाले नस्लों को भी दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला से अपने लिए, सब के लिए सिदके दिल से ये दुआ भी है और इसके लिए हमने मेहनत कोशिश करनी है। जिस तरह माशरे के अंदर हर इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी हिस्स रखी हुई है, किसी का कोई नुकसान हो रहा हो दूसरा उसे आगाह करता है कि भाई आपका ये नुकसान हो रहा है, आप इसका कंट्रोल करें, इसको संभालें। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा जो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, लोगों का भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा के हमें ये बात बता रहे हैं कि इंसान खसारे के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस खसारे से महफूज हैं कि जो लोग ईमान लाए हैं, और ईमान लाने के बाद ये दावा नहीं है कि हम मुसलमान बस इस पर नहीं, बल्कि वो नेक सारे अमाल भी करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए, और अपनी सबसे पहले तो मैं अपने आप को ये नसीहत करता हूँ कि हमें किताब व सुन्नत को मजबूती से थामना। इससे बड़ा क्या अजीम है, इससे क्या बड़ी, यानी लोग आज समझते हैं कि जी फलां ने कि फलां के रस्म को अपना लिया। भाई हमारे लिए तो कुरान है, कुरान से बड़ी को अजमत वाली बात है
दुनिया में भी इज्जत। फिर ये है कि इसे देख के लोग हमारे यानी बात पे को आ जाएगा तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में भी हमें इस चीज़ का अजर मिलेगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेमतान मबूनान फीहिमा कसीर अस्सेहत वल फराग, के लोगों की बहुत कसीर दिमाग जो है वो अक्सरियत यानी इन चीज़ों से सेहत से और फारग वक्त से सही फ़ायदा नहीं इस्तेमाल करते। और ये वाकई हम दीन का दावा कर हमारे अंदर ही बहुत कमज़ोरी है कि हम अपने माशरे के अंदर बुराइयाँ देखते हैं और हम खामोश रहते हैं। कम अज़ कम हम नसीहत के लिए उस तक ये पैगाम पहुँचाएँ। अभी फजीला तो शेख हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं तो अदना तालब इल्म हूँ, मैं तो जुर्त भी नहीं कर सकता उनके सामने कुछ बोलने की, ये उनका हुक्म है कि मैं कुछ ना कुछ चंद एक अल्फाज बोल रहा हूँ। फरमा रहे थे कि मुसलमान मुसलमान के लिए है ना, इनकी बात बहुत मुझे अच्छी लगी है कि जो हमारे पास दीन की दावत है, जो हम नसीहत कर सकते हैं वो अपने मुसलमान भाइयों को ज़रूर बर ज़रूर करें, इंशाल्लाह ये हमें ज़रूर फ़ायदा देगी। और कम अज़ कम अगर वो अमल नहीं करेगा तो हमें इस दावत का ज़रूर सवाब मिलेगा। और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये भाई भी इंशाल्लाह दीन की तरफ आएगा, और यही हमें यानी वक्त का एक बेहतरीन गुजरने का ज़रिया भी है, और यही एक इससे बड़ी क्या अज़मत की बात हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और हम सब कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रखने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बारकअल्लाहु फीकुम। हमें बड़ी खुशी हुई है कि मौलाना अय्यूब ज़फ़र साहब ने हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो नसीहत की हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उसका सही मानों में आमिल बना दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।